ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे लगता है कि टीकेपी में ही ऐसा होता है जहाँ पर हम सारे फेस्टिवल सब कुछ इतना फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो यहाँ मिलती है मुझे लगता है नहीं कि किसी और प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा होता होगा. सो आई थिंक अ फैमिली दैट वर्क्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, सेलिब्रेट्स टुगेदर और एज स्टेज टुगेदर, यस ऑफकोर्स. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर है और आज ये इफ्तार पार्टी साथ में हम यहाँ पे मना रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी हियर विद आवर एंटायर टीकेपी फैमिली. क्वेश्चन बताओ ना यार, सुना ही नहीं रहा है. आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है कि सब एक साथ आए हैं, कितना स्पेशल हो जाता है ये? आज तो खैर डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पेशल है, ट्रिपल स्पेशल मैं बोलूंगा, बिकॉज़ तीनों परिवार यहाँ पे एक साथ है, अनुपमा, अलविदा और ये रिश्ता है. बट हम लोग ने शुरू से, जब से मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया तब से, जब से डीकेपी ज्वाइन किया स्पेशली, मैंने ये ट्रेंड देखा है शुरू से कि डीकेपी में हमेशा ये एफर्ट रहता है कि सब लोगों को, सब एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को साथ मिला के जितने भी स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन सबको हमेशा साथ में सेलिब्रेट किया गया है. और मैं 2.5 साल से इस शो के साथ जुड़ा हूँ, तब से मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है, कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं है, नॉट जस्ट फेस्टिवल्स बट ऑल्सो जो हमारे आपस में जो स्पेशल डेज होते हैं, कि बर्थडे हुआ कभी रूपाली का है या मदालसा का या जिसका भी बर्थडे होता है, हम लोग सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड डेफिनेटली डीकेपी में होता है. मैंने तो कम से कम डीकेपी में ही देखा है, क्योंकि राजन बिलीव्स इन कीपिंग एवरीबॉडी द टीम टुगेदर एंड एज अ फैमिली. जैसे आपने जो पहला सवाल किया था, वो सवाल क्या था कि राजन, आज राजन पूरी राजन फैमिली यहाँ पे है. हाँ, तो वो बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, क्योंकि एक्चुअली राजन का सबसे बड़ा एफर्ट यही रहता है कि सबको एक फैमिली की तरह रखें और सबके साथ अपने दुख सुख खुशियाँ जितनी भी चीज़ें सबको साथ में मिलके वो सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड चाहे वो अक्षरा चाहे इनका कैरेक्टर था, मुझे याद है कि जब एक टाइम था वो अक्षरा की कहानी हो चुकी थी और नैतिक की, और नए कैरेक्टर्स क्रिएट करने थे कार्तिक और नायरा. तो मैं तब फिर घबराया था, सर ने बोला मुझे टाइम को पूरा लीव ऋषि थी इसका, सारे कैरेक्टर्स को सेटिंग करना, रोइंकास को सेटिंग करना, वो सर का मास्टर माइंड था. और फिर अभिमन्यु और अपनी अक्षरा की वापस थियोलॉजी के अंदर जो फिर से स्ट्रक्चरल स्टोरी की सर के अंडर ही पूरा सर ने वो बनाया, योर कैरेक्टर बनाली कैरेक्टर ही सैट डाउन एंड व्हेनेवर ये रिश्ता में स्ट्रेटेजिकली हमें वापस एक नया मोड लेना पड़ता है फॉर द ग्रेट ग्रेट एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स टू अगेन एनहेंस इट. चाहे वो अभिनव का कैरेक्टर भी था अभी, वो सर के अंडर एंड अनुपमा में हर कदम पे, पहला इनके साथ एसोसिएशन हुआ सीरियल विदाई में जब मैं पहले प्रोड्यूसर बना, तो फर्स्ट आई टोल्ड सर कि सर मुझे ये स्टोरी स्क्रिप्ट की सेंस नहीं है, मैं डायरेक्टर हूँ सेट का आदमी, तो आप ये पूरा जिम्मा संभालिए ये विदाई का. और वहाँ से हर शो में सर के साथ जो एसोसिएशन रहा है, और फिर अनुपमा में क्या आगे करना है क्या नहीं करना है वो सर सुपरवाइज करते हैं, हम उससे कंसल्ट करते हैं. सो रियली थैंक यू सर, ये तीनों शोज का. अलबेला भी जब स्टार्ट किया तो शाहिर एंड नजीबा सर के सुपरविजन में अलबेला की पूरी स्टोरी मैं उनको सुनाता था, काइंड ऑफ यू नो गिव अस इट स्पीड. सो थैंक यू ऑल ऑफ अस आर ऑल हियर बिकॉज़ ऑफ द ग्रेट. थैंक यू सो मच सर, आप मुझे कुछ नहीं बोलना है एक्चुअली.